सर्दियाँ आते ही हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है और हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन भी पहले से डार्क हो जाता है। हम कितना भी मेकअप ही क्यों ना कर ले, वो ग्लो आ ही नहीं पाता। ऐसा होता है कि नहीं? आई नो सबके साथ ऐसा होता है, और आप कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे होंगे विंटर्स में भी ग्लो बढ़ाने के लिए। तो आज की वीडियो पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो सुपर अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो टू ऑल माई ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होगे, स्वस्थ होगे और बहुत खुश होगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक विंटर स्पेशल नाइट क्रीम शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप बस एक वीक कंटिन्यू यूज़ करके देख लीजिए, फिर जो डिफरेंस आपको दिखेगा तो आप खुद इसको पूरे विंटर्स यूज़ करोगे। इस नाइट क्रीम से आपकी पूरी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्चराइज होगी, चेहरे का ग्लो वापस आ जाएगा। साथ ही ये क्रीम आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगी। तो चलिए इस नाइट क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अपनी इस बहन की वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे एक घंटी बनी हुई है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको पता तो चल सके। तो चलिए इस क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आलमंड, यानी कि बादाम। बादाम आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है, साथ ही आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बादाम आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है। सो आपको यहाँ पर 8 से 10 बादाम लेना है, उसको अच्छे से वॉश करके पानी में 2 घंटे तक भिगोना है। साथ ही आपको 2 चम्मच राइस लेना है, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसको भी थोड़े से पानी में डालकर अच्छे से 2 से 3 घंटे तक फूलने देना है। साथ ही आपको 3 से 4 चम्मच दही को लेकर एक कपड़े में डालकर उसका सारा पानी निकलने के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 घंटे के बाद ये बादाम हमारा फूल गया है और चावल भी फूल गए हैं। तो सबसे पहले बादाम के छिलके को निकाल लेंगे और अब इस बादाम और चावल को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर बहुत बारीक सा पीसना है। पीसने के टाइम में चावल में अगर ज़्यादा पानी हो तो उसको आप निकाल लीजिए, और उस राइस वाटर का यूज़ आप एज अ टोनर कर सकते हैं। सो यहाँ पे बादाम और चावल को ग्राइंडिंग जार में डालना है और 2 चम्मच के आसपास यहाँ पर गुलाब जल डालना है और इन तीनों को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, ये बहुत बारीक सा पेस्ट बन गया है। अब इसको छान लेंगे। छानने के बाद हमें बहुत स्मूथ सा पेस्ट मिल जाएगा। ये देखिए, ये अभी थोड़ा लिक्विडी है, सो इसको थिक करने के लिए हम इसमें हंकर डालेंगे। जी हाँ, हमने जो वो दही को कपड़े में डालकर उसका पानी निकलने के लिए छोड़ा था, बस उसी हंकर को इसमें मिक्स करेंगे। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे, 1/2 चम्मच कसूरी हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच के आसपास आलमंड ऑयल डालेंगे। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये कितना बढ़िया दिख रहा है। ये हमारा बहुत बढ़िया सा नाइट क्रीम बनकर रेडी है। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप फ्रिज में 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। इस क्रीम को आपको रात में लगाना है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा। इस क्रीम को लगाने के बाद आपको कुछ और लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये क्रीम आपके स्किन को तो मॉइस्चराइज करेगा ही, साथ ही साथ अगर आपको डार्क सर्कल वगैरह की प्रॉब्लम है तो ये उसको भी रिड्यूस करेगा। इसमें हमने आलमंड और आलमंड ऑयल दोनों का यूज़ किया है। ये दोनों आपकी स्किन से छोटे मोटे दाग धब्बों को रिड्यूस करेगा, आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपके स्किन पर बहुत बढ़िया सा ग्लो ला कर देगा। सो आप इस क्रीम को एटलीस्ट 1 वीक तक लगाकर ज़रूर देखिए। ये इतना गजब का कमाल करेगी आपके स्किन पर कि आप पूरे विंटर्स इसी क्रीम को लगाने वाले हो। इसको बस रात में सोने से पहले लगा लेना है, 1 मिनट तक मसाज करना है, उसके बाद ऐसे ही लगाकर सो जाना है। नेक्स्ट डे आपको जैसे आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो बस वही करना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा,
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।